आज की जो हमारी सीरीज है वह साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पर आधारित होगी और टॉपिक होगा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे साइंस पे आधारित प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे आधारित एमसीक्यू के फॉर्म में रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अगर अच्छी लगती है वीडियो आपको हमारी। तो स्टार्ट करेंगे, सीरीज थोड़ी सुपर फास्ट फॉर्म में रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फर्स्ट है भूमि की आर्द्रता को नापने के लिए, फिर है समुद्र में लवणता को मापने के लिए, फिर है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, और फोर्थ है जल में नाइट्रोजन संदूषण को नापने के लिए। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस पे आधारित, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसके राइट आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग होता है पायरे हेलियोमीटर का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट है एंगस्ट्रॉम, फिर है डेसिबल, फिर है कैलोरी और डी है नॉटिकल मील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर पे चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। फर्स्ट है कीबीसाइट, बी है अब्रक का, फिर है तांबे का और डी है पारे का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर इसका बैरोमीटर का पारा होगा, पारे का होता है बैरोमीटर में प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं। फर्स्ट है 546, फिर है 646, फिर है 746 और डी है 846। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर की ओर चलेंगे फिर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 746 वॉट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है सिस्मोस्कोप का, फिर है कार्डियोस्कोप का, फिर है माइक्रोस्कोप का और डी है स्टेंथ्रोस्कोप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हृदय की गति को सुनने के लिए यंत्र प्रयुक्त, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप। हृदय की गति को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आप डॉक्टरों के पास देखते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर है, फर्स्ट है 1/10 मिलीमीटर, फिर है 1/100 मिलीमीटर, सी है 1/1000 मिलीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक माइक्रोन किसके बराबर है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त होता है। फर्स्ट है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, फिर है पूर्ण रेडिएशन ऑक्टोमीटर, फिर है पूर्ण सोलो नैनोमीटर और डी है पूर्ण पराशय ताप मीट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर 2000 से ऊपर मापने के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर इकाई है। फर्स्ट है जलधारा मापने की, फिर है भूकंप धारा मापने की, सी है विद्युत धारा मापने की और डी है उच्च दाब मापने की। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। फर्स्ट है टेकियोमीटर, फिर है एनीमोमीटर, फिर है मोनोमीटर, फिर है हाइग्रोमीटर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका है पवन का वेग मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शक्ति का मात्रक क्या है। फर्स्ट है वॉट, फिर है बार, फिर है मीटर और डी है किलोग्राम। तो शक्ति का जो मात्रक होता है उसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वॉट, शक्ति का मात्रक वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। फर्स्ट है भूजल में प्रदूषण, फिर है ध्वनि प्रदूषण, सी है वायुमंडल में व्याप्त रेडिएशन और डी है वायुमंडल की आर्द्रता। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका हाइग्रोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई
क्या कहलाती है? फर्स्ट है बार, फिर है डस्टबिन, फिर है स्प्रिंग और डी है बैरल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डस्टबिन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डस्टबिन इकाई का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार आता है यह प्रश्न, पर्यावरण से भी संबंधित है और वैसे भी साइंस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है परमार, फिर है विसार, फिर है मानार और फिर है सोनार, सोनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वस्तु की डूबी हुई वस्तुओं को मापने के लिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोनर का प्रयोग होता है वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करें ऑडियोमीटर किससे संबंधित है और हमारा एनीडोमीटर किससे संबंधित है? और ऑडियोमीटर हमें बताना है, इसके सामने हमें तीन विकल्प दे रखे हैं, तो हमें इनको कनेक्ट करना है किससे, कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं ए, बी, सी और डी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो हमारा सबसे पहले ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का प्रयोग होता है वाहनों की पहियों द्वारा तय गई दूरी को मापने के लिए, और जबकि हमारा ओनिडोमीटर का प्रयोग होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही रहेगा, ठीक है। तो इससे हम माप सकते हैं।